जो है ना एक बकरा कट गया था, ठीक है। अभी मैंने सबसे पहले तो हमारे दो बेडों को हमें सही करना है। लिटरली बहुत गंदे लग रहे हैं। ओके गाइस, आई एम रेडी, ठीक है। मैंने पहने, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई बच्ची हूँ। रूखी नहीं वाला काम आएगा ना। हाँ और भाई वगैरह जा चुके हैं, थोड़ी सा लेट हो गए थे नमाज के लिए, बट निकल चुके हैं। अभी आज शुरू नहीं हुई है। एंड यस, अब जो है ना अपनी तबीयत भी थोड़ी सी मुझे खराब सी लग रही है। देखते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमारे दो बेडों को हमें सही करना है। लिटरली बहुत गंदे लग रहे हैं। आई एम सो सॉरी, ये बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं, क्योंकि यार बेड हो जाते गंदे। अरे काफ़ी टाइम पुराने भी है, पर इसके ऊपर हमें नई बेडशीट मंगाई रखी है। क्या हो गया मुझे, मेरी जुबान की तेजी से हो गई है। नई बेडशीट मंगाई हुई है तो बस वो लगाएंगे इसके ऊपर। ओके, तो वहाँ की तो बिछा दी, अब ये रूम रह गया है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मैसी रूम होता है, पता नहीं क्यों मेरा रूम हर कोई गंदा कर देता है। सबको मेरे रूम से पता नहीं क्या ही तकलीफ है। मतलब यार ये लोग मतलब गंदा करते थे। ये देखो लिटल, इसमें से मेरे कपड़े नहीं है, मेरी अम्मा के दुपट्टे, मेरे भाई के कपड़े, बेडशीट सब। बिस्मिल्लाह जी। तो नाउ अब जो है ना एक बकरा कट गया था, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया, पता हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि ऑब्वियसली कॉपीराइट इशू आता है, हम ब्लड वगैरह नहीं शो कर सकते, ठीक है। तो एक बकरा कट गया था, अब जो है ना गाय बा हो रही है, ठीक है। और क्योंकि कसाई आ चुके हैं, थोड़े लेट आए बट वो अब आ गए हैं, तो अब कटेगी गाय और फिर उसके बाद लास्ट वाला बकरा। ऐसे पी लूँ बस, खा लूँ ना। अब ये चाय आ गई है, लेकिन मम्मा बोल रही है शायद एक आध ब्रेड का पीस खा लो। मेरे को बिल्कुल भूख ही नहीं है, मतलब दो दिन हो गए कि मुझे भूख नहीं लग रही है। एक तो ये है कि मेरे काम बहुत ज़्यादा थे, उसमें थोड़ी टेंशन थी मुझे, लेकिन फिर काम सारे निपट गए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पता नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है। थोड़ा सा खाते हैं। यहाँ कुर्बानी शुरू होने लगी है, मैं कुर्बानी नहीं दिखा सकती बिकॉज कॉपीराइट इशू आ जाएगा। सो या मैं यही ख़त्म कर। तो यहाँ पर इन लोगों ने गोश्त की शॉपर्स बना कर रख लिए हैं तकसीम करने के लिए, जो भी होता है। ये उर्दू के अल्फाज मेरे पास नहीं आते। अम्मा और ये देखो कि ये इतने प्यारे हम शॉपर्स बकरीद के लिए लेकर आए थे, और उसके ऊपर इस तरह से गाय बनी हुई है। अब हम उसके ऊपर लिख रहे हैं। आई एम सॉरी, मेरी उर्दू बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई बच्ची हूँ। रूखी प्लेन लिख दो। रूखा लिख दो, रूखा गोश, रूखा मीट, रूखा काफली, रूखा नहीं वाला काफ आएगा ना। हाँ यार अब सही है ना, मैं जान जाएगी। बात है, हमारे यहाँ दो लोग चीज की कुर्बानी हुई, बकरे की और गाय की, तो मिक्स ना हो जाए इस वजह से, क्योंकि हम लोग नहीं खाते ही बकरे बकरे का गोश्त, ठीक है। तो बस हम इस पे लिखेंगे गोट इंग्लिश में, बिकॉज वो मुझे आता है। लोग बहुत दलील करने वाले, सील करो इसको। लोग बहुत कमेंट में दलील करने वाले मुझे, और कुछ लोग तो डीएम में आके दलील कर रहे होते हैं मेरे इंस्टा के। आपको तो ये भी लिखना नहीं आता। ये
सुना, अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, अपने प्यारे लाज दुलारे किचन में, जो कि जिसमें लाइट बिल्कुल भी नहीं है, जरा भी नहीं है। अच्छा फिलहाल जो है ना, मैं बनाने वाली हूँ कस्टर्ड, ठीक है। पहले मम्मा बनाने वाली थी, बट मम्मा जो सेट कि तुम बनाओ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मम्मा भी फिलहाल कसाईयों के लिए चाय बना रही है, उसके बाद जो है कलेजी आ जाएगी, फिर कलेजी चढ़ा देंगी, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है। तो बस फटाफट से जल्दी से बनाते हैं, क्योंकि मुझे नहाना भी है, मेरी हालत देखो। कस्टर्ड बना के मैंने रख दिया है फ्रिज में, ऑब्वियसली पूरा नहीं बना है, बाकी चीज़ें जो कॉकटेल वगैरह है वो मैं एंड में ला देंगे, हमने बेस बना लिया उसका, ठीक है। और यहाँ पर आ गई है कलेजी, पक रही है, मतलब इतने बड़े बच्चे, ये रही कलेजी पक रही है। ओके गाइस, तो मेरे यहाँ पर टमाटर जो है कट चुके हैं, और अगर कैमरा क्वालिटी इतनी खास नहीं आई तो सॉरी, बिकॉज ये मैं अपने फोन से खींच रही हूँ, मेरे फोन में कैमरा बैक कैमरा घूम गया जा रही है। एंड ये देखो, ओए होए होए होए, ये सारा गोश्त। ठीक है, अब शॉपर जो है शॉपर में पार्टीशन किया जा रहा है ना, ताकि हम एक हिस्सा गरीब, ये क्या बता किसी कर रहे हो, एक हिस्सा गरीबों को देंगे, फिर एक रिश्तेदारों का निकलेगा, जिसका क्या क्या ये करते हैं या, और बाकी एक गरीबों का, एक घर के घर का, और एक कौन सा होता है या फेवरेट निकलो। तो सारे काम हमारे निपट गए, सब कुछ कर लिया है, ठीक है। अब फिलहाल मैं खाना नहीं खा रही, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही है। तो अब जो है ना, मैं जा रही हूँ नहाने, मैंने अपना नाइट ड्रेस निकाल लिया, ये वाला, ये बहुत प्यारी सी टी शर्ट है, और इसके साथ ये ट्राउजर्स हैं, सो मैं नहा कर आती हूँ। ओके गाइस, आई एम रेडी, ठीक है। मैंने पहना है ये वाला आउटफिट, ये मेरे सेकंड ईद का आउटफिट है वैसे तो, लेकिन मैंने इसको पहले ही पहना, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईद वाला जो आप लोगों ने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा हैवी है, पर हैवी नहीं है, है तो लाइट वो भी, लेकिन बस उसके साथ शरारा है जो कि मैं नहीं पहन सकती हूँ अभी फिलहाल। सो मैंने ये सिंपल सा टू पीस ड्रेस पहन लिया, जो कि कुछ दिखाती, जो कि कुछ इस तरीके का है, सही है। एंड इसके कपड़े वगैरह काफ़ी अच्छी है, और बहुत प्यारा कलर भी है, बहुत अच्छा है। एंड नाउ आई एम रेडी, और अब हम लोग जा रहे हैं सभी मेम्बर्स को पोस्ट बांटने, यानी रिश्तेदारों को। सो अब हम जा रहे हैं पोस्ट देने, और बस फिर हम दे दिला के आ जाएंगे वापस, बिकॉज वहाँ हम ब्लॉग करना है, क्योंकि वहाँ एरिया को ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं है, मैं देख कर आ जाऊँगी पटक। ओके गाइस, हम आ गए पोस्ट के वापस, और अब हम रास्ते में और निकलने लगे हैं घर की तरफ। ओके गाइस, तो मैं घर आ गई थी, और लिटरली मेरे फेस से पता लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, ठीक है। मेरा फेस ऐसा तब बनता है जब मैं सोकर उठ रही होती हूँ, सूजा वासा, और तब जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ। लेकिन फिलहाल ज़्यादा थकन से ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है मेरे लेग में, बिकॉज मुझे शू बाइट हो गया पीछे, और मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ, मेरी टांग भी ढंग से मैं रख नहीं पा रही हूँ। खैर, वो एक दो दिन में सेट हो जाएगा। And that's about the vlog, chhotu sa vlog. I hope that you guys like this vlog, and if you like, please give a thumbs up and subscribe to my channel. Tada, bye bye.